प्रधान पुजारी पंडित रोहित प्रतुल जी महाराज व समाज सेवी के द्वारा 121 परिवार को राशन सामग्री वितरित किया गया। भगवान कामतानाथ जी के अनन्य भक्त दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन, चित्रकूट के नायब तहसीलदार गणेश दत्त, चित्रकूट नगर परिषद के सीएमओ रमाकांत शुक्ला, हमारे चित्रकूट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार बंसल विनोद शर्मा, राम नरेश, पंकज मिश्रा एवं कामतगिरी पूर्वी मुखारबिंद के प्रमुख सेवा दल में से रजन पांडे, जानकी यादव, कारेलाल के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए राशन सामग्री का वितरण किया गया। बीच में भी मोदी जी जो है दोबारा आए और 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया, कोरोना जैसी जो महामारी उसको खत्म करने के लिए जरूरी भी था। तो हम लोगों को जनमानस के द्वारा जानकारी हुई कि जो गोदावरी के ऊपर थर पहाड़ गाँव है वहाँ भी एक भी बार राशन सामग्री नहीं पहुँची, किसी की भी द्वारा नहीं पहुंची। तो हमने अपने महान जी महाराज, महान सत्य प्रकाश दास जी महाराज जो प्राचीन कामतानाथ मुखारबिंद जी की महंत भी हैं, उनसे मैंने चर्चा किया। उस चर्चा में 121 परिवार वालों के लिए 21-21 किलो को राशन और आधा लीटर सरसों का तेल जो वितरित करने का निर्णय लिया गया। उसी में आज हम सब लोग आए, आपने देखा भी होगा तो यहाँ पर करीब 35 से 40 लोगों को थर पहाड़ के परिवारों को दिया गया है। अब यहाँ से जाकर के नीचे शुक्ला जी हैं उनके मार्गदर्शन पर, नए साहब जी के मार्गदर्शन पर हम जो जहाँ भी और कुछ लोग रह गए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं जो रोज कमाते खाते उनको भी देना है, क्योंकि 121 परिवार को देना है। अच्छा, इसमें जो सीएमओ साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम दाताओं के द्वारा राशन आया है, हमने बहुत सारा बंटवाया है, तो फिर क्या आवश्यकता है उनको बांटने की? हमने जो जानकारी ली कि थर पहाड़ पर, अब आप भी जानकारी ले सकते हैं, थर पहाड़ पर अभी तक एक भी बार राशन सामग्री किसी के द्वारा यहाँ नहीं पहुँची। इस वजह से हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि यहाँ पे पहुँचाना है और तुरंत सक्रियता से आज ही आकर के जो है, और आपने भी देखा होगा कि 35 परिवार को अभी यहाँ पे दिया गया जो आदिवासी लोग हैं और जो रोज कमाते खाते हैं। और आपने गौर किया होगा कि मोदी जी ने जो है 7 बातें कही थी, 7 बात में जो 5वीं बात है उसमें आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जितने भी गरीब हों ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को सहायता करना है, कोई भी भूखा न रहे, सबको मदद करना, आगे बढ़ करना। मैं यही अपील करता हूँ देशवासियों से कि जो भी आस पास पड़ोस के लोग हों सभी लोग एक एक दो लोगों की मदद करें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक सबसे पहले।